तो किरान सभी जो है बिल्कुल एकदम भगदड़ के मूड में था। जो सामान आगे मिल रहा था उसको फेंके जा रहा था, झोला में ही बंद कर दे। आए हुए हैं जी मार्केट, बाकी जो खरीदारी बची हुई थी जन्मदिन की वो सब करना है। जैसे जैसे जन्मदिन का डेट जो है नजदीक आते जा रहा है, वैसे जो है हार्ट बीट थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि पहली बार जो है किसी फंक्शन को अपने से इस तरह से मैनेज कर रहे हैं, वरना हमेशा जो है किसी न किसी इवेंट मैनेजमेंट वाले को दे देते थे और आराम से बेफिक्र होकर के बैठे रहते थे। कहाँ घुस गया है तुम? अरे कहाँ घुस गया? हाँ हाँ चला भी गया अंदर। ओए क्रियांश इसको बहुत आनंद है इस बार। बहुत आनंद है। ओए क्रियांश बच्चों की मानसिकता के बारे में कोई नहीं समझ पा सकता है या कब क्या चाह रहा है। सही बात है। ओए क्रियांश तो क्रियांश अभी जो है बिल्कुल एकदम भगदड़ के मूड में था। जो सामान आगे मिल रहा था उसको फेंके जा रहा था, झोला में ही बंद कर दे। अब ये निकलना चाह रहा है, निकाल दो, निकल जाओ, निकल जाओ। दादी उसको झोला में बंद कर दी बाबू को। निकल गया, निकल गया। दादी झोला में बंद कर दी। ओए अब मेरा पोता आजाद हो गया है। अब मेरा पोता आजाद हो गया, रात की सांस ले रहा। तो फाइनली अभी क्रियांश सोया है और अभी बज रहे हैं 1। तो अभी मैं जल्दी से जाऊंगी स्नान करूंगी, क्योंकि भूख इतनी तेज लग जाती है ना, क्रियांश जल्दी सोता नहीं है, सोता है फिर मैं नहाने जाती हूँ या फिर कोई यहाँ पे रहता है तो उसको पकड़ता है। तो अभी जल्दी से क्रियांश को नीचे वाले बेड पे सुला दूंगी ताकि ऊपर से गिरे नहीं, रिस्क नहीं रहेगा, ताकि मैं अच्छे से स्नान करके फिर पूजा कर लूँ। भूख बहुत तेज वाली लगी है तो फटाफट करते हैं। क्रियांश यहाँ पे अपने पांडा के साथ सोया हुआ है और हम यहाँ पे नीचे में बेड बिछाते हैं और क्रियांश का भी टीवी चल ही रहा है, म्यूट कर दिया मैंने क्योंकि टीवी देखते देखते ही क्रियांश सोया है। तो नीचे बेड बिछाते हैं और उसको यहाँ सुलाते हैं। 20 minutes later तो क्रियांश उठ के तैयार हो गया, जब तक मन आई खाई उसके बाद उठ गया। क्या टीवी नहीं चलेगा? टीवी नहीं चलने वाला है। हाँ माँ कह रही है कि एक दिन टीवी हम लोग का खराब हो गया था, तो उस दिन रोता था क्रिया बच्चा, रोता था उसे मोबाइल देख के दिन काटा, इसलिए टीवी उसका कभी भी खराब नहीं होना। क्या सो जाते बेटा, थोड़ा मम्मा भी रेस्ट करते हैं, करते ना भी रेस्ट। नहीं माँ आपने सोएगा आपका पोता, आज इसकी दादी बोलेगी आज मेरा पोता 2-3 घंटा आप सोएगा, नहाने के बाद 2-3 घंटा सोएगा। ये तो आधा घंटा में उठ गया भैया। हाँ भैया क्यों उठा आधा घंटा में आप? जय की जय। कहाँ जा रहे इतना बार की? सब सोने जाएगा तू उठा दुकान में जाती उधर दुकान में बैठ के। हाँ हाँ ओहो कहने हाँ चले जाइए। आज तो माँ की कमर में दर्द उठ गया है, माँ कह रही इसी के कारण हुआ है, इसी को उठा लो। दुलाने में झुक के धोए। हाँ इसी में हुआ। हाँ दादी गुस्सा है क्रियांश, जाओ मना दो थोड़ा सा। क्रियांश क्रियांश क्या? अरे अरे गुआ दादी गुस्सा है। क्या दादी बात नहीं करेगी फिर? जाओ ना, ये तो अब चाची भी जा रही है, जाओ सब जा रहा है। खाई क्या है? चाची भी जा रही है, देखो जा रही है चाची। क्रियांश अब इसको कोई मतलब नहीं। क्रियांश गया रिमोट लेने के लिए, टीवी चलाने के लिए। ए क्रियांश क्रियांश नहीं चलेगा बाबा, रूम आवाज छोड़ दिया। गैस छोड़ दिया क्रियांश। दादी क्या कर रही है? ए लड़का लड़का अभी माँ के इधर घूम के। अरे लड़का आवाज छोड़ दिया। क्या तो ये मेरा बेटा देखो। क्या डा? तो सभी लोग सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, मेरा बेटा जो है खुद तो जगता है ही, मुझे भी जगाता है। किसको गुस्सा कर ले हो? जय करो, जय सबको जय करो, ऐसे जय होता है। दांत मत काटो भैया। ये कैलेंडर लेके खेलता है क्रियांश। ये है मेरा कैलेंडर। मई जून जून क्या चाह रहे हैं आप? इधर तो बिल्कुल नहीं जा रहा। क्रियांश सीढ़ी पे बार बार भागे जा रहा है और मैं इसके पीछे। काका क्रियांश क्या कर रही है?
दे दे ये 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 हाँ क्रेयॉन चला गया नीचे नीचे दीदी लोग के पास दीदी है भाभी है सब है आए हुए हैं जी मार्केट बाकी जो खरीदारी बची हुई थी जन्मदिन की वो सब करना है और आज धूप इतनी तेज है पूछी मत धूप की वजह से जो है एक दो दिन हम निकले नहीं तो अब जो है समय नज़दीक आ चुका है तो अब टाल मटोल का कोई फायदा नहीं तो आ गए हैं और भाई साहब भी थोड़ा अपना दुकान से समय निकाल लिए हैं तो यहाँ पर ऑर्डर कर रहे हैं आरा रोड 1 kg जी हाँ हाँ लिखते चलिए आरा रोड 1 kg कॉर्नफ्लावर 3 kg मुझे उतना कुछ भी आइडिया नहीं कि कौन सा क्वालिटी कैसा होता है कौन सा सामान कैसा होता है अपना बस वही रहता था पैसा दीजिए सामान लीजिए चले जाइए लेकिन यार दोस्त है इसको खाने की बहुत ही बारीक फर्क है और किस सामान की क्या क्वालिटी है इसको पूरे से अंदाज़ा है तो यहाँ साथ में आया है तो अच्छा खासा मदद हो जाएगा क्या करेंगे हम काम Two hours later. तो पतिदेव भी आ गए अपना काम करके काटने दिए जी काटने दिए सबको देनी आज जो है किराना का खरीदारी में ही अच्छा खासा समय लग गया तो आइसक्रीम सबके लिए जल्दी ले लो हमको भी तो आइसक्रीम लेके आए हैं क्या कर रहे पापा पीट रहे हो दादी यहाँ पे दिखा रही है क्या ये ए ए कैसे मार रहे हो तुम बम कर दीजिए इसका सब चीज बम कर बम बम कर दी दादी देखो ना इधर पर कैसे देख रहा है माँ बम कर दिए देख रहा है लौट जाएगा तुम मार माथा मार फूल जाएगा बस बस तो देख भी तू उधर बीच में आना चाह रहा है समझे माँ दुपट्टा लेगा वो तो क्रियांश को आना था बीच में दादी के पास जो कि पापा नहीं आने दे रहे थे क्रियांश आ गया अपनी दादी के पास अब दादी के पास कब तक है इस बात की गारंटी क्योंकि जिधर देखता है पल रहा उधर भारी है उधर ही चल जाता है उससे कलयुग के अनुसार ठीक ठाक है आदमी की जिंदगी आसानी से कट जाती है पापा को पीट रहे हो दांत काटता है समझे जय लटका उधर जाने के लिए देखिए वहाँ घुस गया कैसे सोया है ए गिर हो गया उधर डैड 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 भैया एक एक पार्सल आया है तो चलते हैं देखते हैं क्या है पार्सल तो ये रहा हमारा पार्सल देखते हैं इसमें क्या है तो जिया का भी कुछ देर पहले एक नया पार्सल आया और देखते हैं कि क्या है जिया तो देख चुकी है हम भी देख लेते हैं और क्रियांश आ रहा है इधर कोई बात नहीं चलो तुम इधर दिखाओ ये देखिए कितना प्यारा सा वाह 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 बहुत ही प्यारा सा है एकदम लग रहा है दीदी के साड़ी से मैचिंग कर रहा है सही में कलर एकदम मैचिंग हो गया है सो रही सोने दो और ये बदमाश को देख सकते हैं यहाँ क्या कर रहा है ओ शैतान डिग 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 जिया का कुर्ती है जा 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 चलो आए धम प्याज गिरता है धम धराम अब बस कुछ ही कार्ड बच गए हैं जिन्हें बांटना रह गया है तो इस कार्ड को जो है कल बांट देंगे जैसे जैसे जन्मदिन का डेट जो है नजदीक आते जा रहा है वैसे जो है हार्टबीट थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है कि क्या होगा कैसी होगा क्योंकि पहली बार जो है किसी फंक्शन को अपने से इस तरह से मैनेज कर रहे हैं वरना हमेशा जो है किसी न किसी इवेंट मैनेजमेंट वाले को दे देते थे और आराम से बेफिक्र होकर के बैठे रहते थे पहली बार सोचा कि जो अपने से सब कुछ करके देखते हैं तो इसीलिए जो है थोड़ा सा लग रहा है कि क्या होगा कैसा होगा क्योंकि तजुर्बा नहीं है तो इसी के साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं उम्मीद करते हैं आज का यह ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा अगर आज का यह ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हमारा कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय